नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉरियर्स वर्सेस पेलिकेंस के बीच जो होगा बार्बाडोस टी10 2022 का आज का दिन का पहला मैच। आज ना गाइस तीन मैच है सेम डे में, ठीक है, 7 बजे, 9:30 बजे, फिर 12 बजे। तीनों मैच का कवरेज आपको मिलेगा इस चैनल में। इस वीडियो में हम लोग वॉरियर्स वर्सेस पेलिकेंस बारे में डिस्कस करेंगे। वॉरियर्स ने 7 खेला है, 4 जीता है, 2 हारा है, 1 गाइस इनका ड्रॉ रहा है। तो मतलब क्या निकल गया है ना कि पहले जो वॉरियर्स टीम है ना ये बहुत स्ट्रांग है। उनका ओपोनेंट पेलिकंस ने ना 7 खेला है, 3 जीता है, 4 हारा है, तो डिफरेंस उतना भी ज़्यादा नहीं है। तो क्या करोगे आप, एकदम बैलेंस टीम आप बना सकते हो। और इस ग्राउंड का अगर रिकॉर्ड देखोगे ना, 9 बार बैट फर्स्ट ने विन किया, 7 बार चेजिंग ने भी विन किया है, तो यहाँ पे भी एक बैलेंस ट्रैक दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेना मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टीम का बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा स्ट्रांग है बट उनका बैटिंग यूनिट वीक है, कौन सा वो टीम है नीचे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से दोस्तों आप लोग वीडियो अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करो एंड टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ फाइनल अपडेट के लिए इस मैच के रिलेटेड। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा ब्लू कलर का, जहां से आप इजीली टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। चाहो तो कमेंट सेक्शन में जो ब्लू कलर का लिंक लेना उससे भी आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, जहां से मर्जी ज्वाइन हो जाना है, बट ज्वाइन हो जाना है फाइनल अपडेट फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आता हूँ मैं इस मैच के एनालिसिस में। 7 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, क्लियर वेदर रहना चाहिए, बारिश का चांसेस नहीं दिख रहा। जैसे कि बताया ऑलरेडी 18 मैचेस में 9 बार बैट फर्स्ट ने विन किया, 7 बार चेजिंग ने विन किया। वॉरियर्स अगर देखोगे केमर स्मिथ बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है, फिलहाल रख सकते हैं हम लोग क्योंकि ऐसे भी ये बैटिंग सेक्शन में मिलेंगे, रख लेना है मस्ट पिक। हकीम पेरीमैन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ओपोनेंट के पास लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है जिनको काउंटर करेंगे, जैसे कि जोनाथन कार्टर। दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, यार मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया ये राइट हैंडेड बैट्समैन, यार ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होगा। हाँ, ये दो बंदा ना लेफ्ट हैंडेड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपोनेंट के जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को है ना उनको गाइस थोड़ा हेल्प कम मिलेगा और इनको हेल्प थोड़ा ज़्यादा मिलेगा उनको पिटाई करने में। दो प्लेयर मस्ट पिक हो चुके हमारे पास, केमर स्मिथ भी इंपॉर्टेंट है, 3 प्लेयर आ चुके हमारे पास। अब चौथा प्लेयर मैं ना किसको रखूंगा, मैं पता है जेडन लॉर्ड को मैं मस्ट पिक बनाता हूँ इस टीम से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका जेडन लॉर्ड का, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो। आंद्रे मार्शल ट्राई करना है तो करो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स क्योंकि ओपोनेंट के पास ज़्यादातर राइट हैंडेड बैट्समैन है, तो आंद्रे मार्शल ठीक ठाक पिक है। और डी सील, दोस्तों राइट आर्म मीडियम डी सील को ना समा विकेट मिल जाता है और अभी तो ये मिडल ओवर में भी बॉलिंग डाला रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। आंद्रे मार्शल को ग्रैंड लीग में जरूर यूज़ कर सकते हो क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और ओपोनेंट के पास ना ज़्यादातर राइट हैंडेड बैट्समैन है टॉप ऑर्डर्स में, ठीक है। बाकी देखो जेरेन रॉबर्ट्स बॉलिंग कभी करते कभी नहीं करते तो ट्रस्ट नहीं कर सकते इनको, बट ये हिटिंग करा सकता है तो बैटिंग फर्स्ट ट्राई करना है तो करो। नीचे से देखोगे तो ओपनिंग बॉलिंग के स्मिथ मार्शल सील, डेथ में कौन लॉर्ड कार्टर सील करते हुए दिखेगा, ध्यान देना लॉर्ड अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ इंपॉर्टेंट, कार्टर भी 2 ओवर देगा, सील भी 2 ओवर देने वाला है आपको। पेलिकन से अगर देखोगे ना जोनाथन ड्रिक्स शियन ब्रेथवेट, देखो इनका बैटिंग यूनिट ना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। जमा राइफिल इनका सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर फिलहाल तो दिख रहा है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। और रविंद्र पारसौत, ये जो बंदा है ना रविंद्र पारसौत, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है इस टीम का। बाकी इनके बैटिंग यूनिट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, 2 प्लेयर हमारे लिए मस्ट है, रविंद्र और जमा राइफिल। और उसके बाद ना जोशुआ बिशप, इनको ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ओपोनेंट के पास ना लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सॉरी यार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, एक राइट हैंडेड बैट्समैन है ओपनर और एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, 1 डाउन भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आएगा, तो बिशप को इस मैच में मुश्किल हो सकता है, शायद ये विकेटलेस भी जाए। केबीसी मैं नहीं बनाऊंगा, सिर्फ टीम में रखने से रोको। अकीम जॉर्डन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का और बॉलिंग फर्स्ट, ये डेथ में भी आता है तो बढ़िया कैप्टन है, बॉलिंग सेकंड में बिना कैप्टन जा सकते हो बट बॉलिंग फर्स्ट कैप्टन जाना है, हर मैच में बंदे का पास विकेट भी है गाइस। और नीचे से देखोगे तो जेडन एडमंड लास्ट मैच में 1 ही ओवर मिला था बिकॉज डोमारियो गुडमैन को ओवर मिला, बट इस मैच में ना आपके लिए एक पंथ होगा एडमंड, क्योंकि एडमंड को इस मैच में ना 2 ओवर मिल सकता है और गुडमैन शायद 1 भी ओवर ना डाले क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ये और ओपोनेंट से 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेगा ना तो मुश्किल है इनको बॉलिंग कराना। शायद जेडन रॉबर्ट्स भी लेफ्ट हैंडेड है तो 3-3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। एरन डीले एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम का जो डेथ में आएंगे बॉलिंग करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओपोनेंट से डी सील है ना विकेट मिल जाता है समाव, ऐसे ही गाइस इस बंदे को भी विकेट मिलता है, बट डिफरेंस इतना है कि डीले ना 2 ओवर डेथ में कंसिस्टेंट डालता है, ये इनका बेनिफिट है, तो मैं मस्ट पिक बनाऊंगा डीले को भी अपनी टीम में। ओपनिंग बॉलिंग कौन है, जे बिशप, अकीम जॉर्डन, जे आईफिल, डेथ में कौन है अकीम जॉर्डन, एस डीले और जे आईफिल करते हुए दिखेगा। दोस्तों ये इनके पास के रिकॉर्ड है, चाहो तो आपके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हो। जोशुआ बिशप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अकीम जॉर्डन दोनों लिस्ट है, मतलब कहाँ पे खेल के आ रहा है पता है, सुपर 50 कप। फिलहाल ये रहेगा मेरा टीम, क्वार्टर कैप्टन है, वाइस कैप्टन है आईफिल, हमारे पास सील है, लॉर्ड है, बिशप है, अकीम जॉर्डन आप असर। दोस्तों मैंने ना एक प्लेयर को मिस किया, किसको, मैंने सील लिया है बट सील के अगेंस्ट में जो यूज़ होगा ना कौन यूज़ होगा,
ये इस टीम से देखना आप, यहाँ पे एक बंदा है गाइस, कहाँ गया, जेडन लॉर्ड बॉलिंग फोर्स। जेडन लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टीम से, क्योंकि डेथ में आता है, तो जेडन लॉर्ड को हम लोग आफ्टर टॉस ट्राई कर सकते हैं। सॉरी मैंने तो ले लिया यार, डीसीएल जेडन लॉर्ड तो एक ही टीम से है, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने ना मिस कर गया, इसका नाम मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इधर से सील होता हूँ, हाँ डीले बॉलिंग फर्स्ट, ये बंदा डेथ आएगा इस टीम से। तो डीले और लॉर्ड का काम ऑलमोस्ट दोनों टीम से सेम है, डेथ में बॉलिंग करना है, तो लॉर्ड एंड डीले दोनों को हम लोग रखेंगे, खास करके जो बॉलिंग फर्स्ट करेगा उसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, खास करके डीले अगर बॉलिंग फर्स्ट किया तो। दोस्तों ये रहेगा फिलहाल टीम, कोई भी और अपडेट होगा, डेमो टीम होगा, शेयर हो जाएगा टेलीग्राम पे, जुड़ जाना टेलीग्राम, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।